केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने भोपाल में न्यू ग्रीन कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ का उद्घाटन किया। इस संस्थान में अनुसंधान के नवीन प्रयास पर्यावरण के स्थायी प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाल परेड ग्राउंड में किया हुनर हाट का शुभारंभ। 31 राज्यों के 250 स्टॉलों पर है क्राफ्ट कुजीन और कल्चर का संगम। हुनर हाट में आए कारीगरों का हुनर देखने आने भोपाल वासियों से मुख्यमंत्री ने अपील की। लोकल से वोकल बिना कारीगरों, दस्तकारों, हुनरमंदों के नहीं बन सकता। हुनर हाट के कारण उत्पादों की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। हुनर हाट शिल्पकारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ तंदूरी चाय का भी हुनर हाट में स्वाद लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र। पत्र में क्षतिग्रस्त फसलों का शीघ्र सर्वे कराने की बात कही गई है, साथ ही प्रभावित किसानों को राहत राशि का भी शीघ्र वितरण करने को कहा। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के कृषि से जुड़े विषयों पर चर्चा भी की गई। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई गई है। खरीफ फसल के लिए 12.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के तारतम्य में प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव में भाजपा जिलाध्यक्ष और भाजपा पदाधिकारियों द्वारा सरदार पटेल एवं शहीद उदयचंद जैन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमृत महोत्सव के दौरान स्थानीय उद्योग में भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा भारत माता की आरती की गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके, भाजपा जिलाध्यक्ष विष्णु वेदी सहित नागरिकगण भी उपस्थित रहे। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणामों को लेकर शिक्षा विभाग जबरदस्त सक्रिय है। सहायक संचालक शिक्षा MS सेंद्राम लगातार विकास खंडों का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने बिछिया एवं मोई के स्कूलों का निरीक्षण किया और कोताही बरत रहे विद्यालय प्रभारियों को नोटिस भी जारी किए। कोरोना का टीका लगवाने पात्र महिला हितग्राही बढ़ चढ़कर टीकाकरण केंद्र तक आ रही हैं, जहां उन्हें कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने सभी पात्र हितग्राहियों से टीका लगवाने केंद्र तक पहुँचने की अपील की। मंडला में हुआ 2 दिवसीय राष्ट्रीय आलू मेला सह प्रशिक्षण 2021 का आयोजन। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत किसानों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कार्यक्रम में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, संपतिया उइके एवं सुमेर सिंह सोलंकी सहित जन प्रतिनिधिगण एवं अधिकारी मौजूद रहे।